तो देखिए भाई, अपने पास में y = x दिया हुआ है, फॉर x इज लेस देन 1, क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर, यस सर। इसका मतलब इसको अगर इन टर्म्स ऑफ x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना होगा तो x इक्वल हो जाएगा किसके, y के, x इक्वल हो जाएगा किसके, y के, एंड वेयर y इज आल्सो लेस देन 1, लेस देन 1, यस सर। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट yes, उसने लिखा अपने पास क्या, नेक्स्ट डेफिनेशन उसने लिखी है कि y जो है वो इक्वल है किसके भाई, x स्क्वायर के, x स्क्वायर के, अरे हाँ ना बोलो भाई, यस सर। ओके, और x गिवन है बिटवीन 1 टू 4, यस यस सर। दैट मींस यहां से अगर मैं x की बात करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y आएगा कि नहीं आएगा, रूट y, यस यस सर। और यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू की बात करूँ, अगर x 1 से 4 है तो y कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा भाई, 0 टू 2, अच्छा शाबाश, वेरी गुड, 1 से क्या हो जाएगा, 1 टू 16, 1 से 16 हो जाएगा भाई, ओके, यस सर, यस सर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि y का वैल्यू गिवन था 8 स्क्वायर रूट ऑफ x गिवन था, वेयर x इज ग्रेटर देन 4, यस सर। That means यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y square by 64, yes sir, yes sir। x अगर 4 से बड़ा है तो y किससे ग्रेटर हो जाएगा बेटा जी, 16 से, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 16, अरे आना बोला भाई, yes sir, yes sir। That means f inverse x is equals to क्या हो जाएगा, x for x is less than 1, square root of x for x is between 1 to 16, 1 to 16, x square by 64 for x is greater than 16, is that clear, yes sir, yes sir। उसके बाद बोलो बेटा next question, डन सर, ओके। चलिए बेटा, उसके बाद आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, सीधे डायरेक्ट सॉल्व करके मैं मुझे सॉल्व करके देनी है तो मैं खुद ही बता दूंगा, ठीक है ना, आगे पढ़ ले थोड़ा। चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं ना, बोलो बेटा जी, नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन किया है क्या सर, किया है सर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया बेटा सर, इसमें चेक किया है बट इसका नहीं पॉसिबल हो रहा है इनवर्स। हाँ सर, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है?
सर वन फंक्शन नहीं आ रहा वन वन फंक्शन नहीं आ रहा मेनी वन बन रहा है ना यस बिल्कुल तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है तो पहले इसकी डोमेन को फिक्स करना पड़ेगा डोमेन जब इसकी फिक्स हो जाएगी फिर उसके बाद अपन बोल सकते हैं ठीक है ना ओके गुड वेरी गुड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का वैल्यू कितना आया 1/8 एकदम करेक्ट है बेटा बिल्कुल सही है बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या है बेटा 1/6 e³ वेरी गुड बहुत ही बढ़िया मतलब बहुत ही बढ़िया मन खुश हो गया मतलब क्या बात है मतलब अभी आप छोड़ देते चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ नहीं हुआ सर नहीं हुआ चलिए कोई बात नहीं एक आध क्वेश्चन तो ऐसे चल जाता है कोई बात बहुत बढ़िया सही बहुत बात क्या बात है क्या बात अब तो इसके बाद मतलब ऐसे दो चार क्वेश्चन के आंसर तुम लोग अगर दे दो ना एकदम सटीक उसके बाद तो चाहे मेरे से कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दो चलिए भाई उसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपने पास में गिवन था वैसे ये बड़ा ही नियायती घटिया टाइप का क्वेश्चन था ये हो जाना चाहिए था तुमसे लेकिन चलो कोई बात नहीं ये दिया है क्या -1/2 टू इनफाइनाइट से डिफाइन किया हुआ है टू ए इसमें ये डिफाइन किया हुआ है ठीक है और ये कह रहा है कि fx = x² + x - 1 fx को डिफाइन किस टाइप से किया हुआ है x² - x + 1 इस टाइप से इसने क्या कर दिया इसको डिफाइन कर दिया इज एन इनवर्टिबल फंक्शन सर x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है यस सर सब ठीक हो जाएगा ओके ये तो था यस सर इज एन इनवर्टिबल फंक्शन यस सर देन क्या करना था भाई एंड अच्छा x इज इक्वल टू f इनवर्स x गिवन है x फाइंड आउट करना है x इज इक्वल टू fx is equals to f inverse x. Inverse x. And find x. क्या किया इसमें तुम लोगों ने क्या किया बेटा जी सर मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से तुम लोगों को बताया था बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से कि अगर अपने को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो कौन सी इक्वेशन का अपन को fx को x के इक्वल पुट करना होता है fx इज इक्वल्स टू f इनवर्स x का अगर अपने को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो उसकी जगह पे अपन किसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं fx इज इक्वल्स टू x हो गया क्वेश्चन तो अपन क्या बोल सकते हैं fx is equals to f inverse x जो है इसके जो भी solutions है solutions are same as fx is equals to x और ऐसा क्यों होता है क्योंकि अपने को पता है कि इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है भाई सिमेट्रिक होता है अबाउट y is equals to x y is equals to x के सिमेट्रिक ये तुम्हें बताया था यस सर ये एक तो यहां पे इक्वल हो रहा है यहां पे इक्वल हो रहा है यहां पे इक्वल हो रहा है तो ये क्या है y is equals to fx ही तो भैया y is equals to fx और ये y is equals to x जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वहीं पे तो क्या करते हैं y is equals to f inverse x का और y is equals to fx का ग्राफ इंटरसेक्ट करता है भाई यस सर मतलब मुझे बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है x square plus x minus 1 is equals to x के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने क्या जाएगा x is equals to plus minus 1 but x not equals to minus 1 क्यों नहीं होगा भी माइनस वन
एक्स माइनस वन क्यों नहीं होगा, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज नॉट इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स. ओके यस सर, क्योंकि एफ एक्स का जो डोमेन है वो क्या हो रहा है, यस सर, द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज बिलोंगिंग टू माइनस ऑफ हाफ, माइनस हाफ टू इनफाइनाइट. ओके चलिए, ओके यस सर. उसके बाद नेक्स्ट हटा दे, भी ये इतने ही थे सर. यस यस सर. इसका मतलब तुम लोग पढ़ते तो हो भाई, ऐसी बात पढ़ते हो मतलब, अच्छी बात है. चलिए तो तुम लोग पढ़ते हो तो फिर लिखिए जरा, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है ना, तो अपन क्या बोलेंगे भी, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, एफ एक्स इज इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ एफ. डोमेन का, डोमेन का चाहे कोई भी पॉइंट पुट कर लो, डोमेन में जितने भी पॉइंट दे रखे हैं चाहे कोई सा भी पॉइंट पुट कर लो, उस पे एफ की जो भी वैल्यू है, फंक्शन की जो भी इमेज जो है, एफ इमेज जो है, वो हर बार क्या आए, सेम आए. हर बार अगर सेम आए इसका मतलब वो फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन. ये वाली बात बेटा जी. यस सर. यस सर. एग्जांपल. यस सर. ये क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन. ओके चलिए एग्जांपल देख लेते हैं भाई साहब इसका. फर्स्ट एग्जांपल इज fx इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स. कैसा फंक्शन है भाई, इसकी रेंज और डोमेन बता दो फटाफट से. डोमेन क्या बेटा इसका, ओनली वन. ये कह रहा है कि x माइनस वन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ये कह रहा है वन माइनस एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. क्योंकि तभी तो इसका रूट डिफाइन होगा. सर ओनली वन आ रहा है. x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ये कह रहा है क्या, x इज लेस देन इक्वल टू वन. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, वन. इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, वन. तो डोमेन क्या है यहाँ पे, वन. डोमेन अगर वन है, एफ ऑफ वन कितना आ जाएगा भाई, जीरो. जीरो हो गया, जीरो. आइए क्या बात, जीरो. यस सर. कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट. कांस्टेंट. और साथ ही साथ कैसा है, वन वन. और साथ ही साथ कैसा है, कांस्टेंट वन वन ऑन टू. ओके यस सर. यस सर. जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट. सॉरी एक बार वापस बताना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. क्या बेटा, एक बार वापस बताना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. बेटा जी यहाँ पे अपन ने इसका डोमेन फाइंड आउट किया तो डोमेन इसका आ गया वन, और बेटा इसका रेंज फाइंड आउट किया तो रेंज आ गया जीरो, इसीलिए कांस्टेंट फंक्शन हो गया. आया समझ में? यस. अरे यहाँ से डोमेन फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इसका भी वैल्यू. यस सर. सर समझ गया. चलिए थोड़ा जल्दी से बढ़े आगे. यस सर.
यस सर। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं अभी, क्योंकि एक एग्जांपल से हो सकता है सारी चीजें क्लियर नहीं हो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अपने पास ये है, सेकेंड एग्जाम्पल इज एफ एक्स इज इक्वल टू द सिग्नम ई टू द पावर एक्स, ठीक है ना। ई टू द पावर एक्स का वैल्यू ऑलवेज कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा बेटा जी। इसकी डोमेन कैसी हो जाएगी फंक्शन की, जीरो टू इनफाइनाइट। अच्छा भूल गए बचपन के दिन जब तुम्हें ग्राफ पढ़ाया था, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, ऑल रियल। ओके, और ऑल रियल में इसका वैल्यू ई की पावर एक्स का वैल्यू ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव। और जीरो टू इनफाइनाइट अगर सिग्नल में जाएगा तो वो रेंज क्या देगा, वन। तो x की वैल्यू चाहे इसमें कुछ भी पुट कर लो, ये तो ऑलवेज वैल्यू क्या देगा, वन। x बराबर x बन, x की वैल्यू वन पे वैल्यू वन, x की वैल्यू जीरो पे वैल्यू वन, x की वैल्यू माइनस वन पे वैल्यू वन, x की वैल्यू टू पे वैल्यू, x इक्वल टू जब टू पुट करोगे तो वैल्यू वन 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 सब वन 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 हुआ पड़ा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वैसा भी कैसा फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। साथ ही साथ ये कैसा फंक्शन है भाई, वन वन फंक्शन, मैनी वन, मैनी वन, इन टू भी तो है। क्यों है इन टू फंक्शन, इन टू और ऑन टू के बारे में यहां पे कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अपने को उसने डोमेन सॉरी कोड डोमेन के बारे में उसने कुछ मेंशन नहीं किया। अगर कोडोमेन अगर उसने ऐसा दे रखा होता, ये जो भी फंक्शन लिखा हुआ है इसके अंदर साथ ही साथ उसने कोडोमेन अगर लिख दिया होता कि कोडोमेन कितना है, वन है, तो इसका मतलब फिर वहां पे अपन का बोल देते ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। और वन के अलावा कुछ और भी देता, वन टू थ्री फोर चार एलिमेंट दे देता, तो फिर ये कैसा हो जाता, इन टू हो जाता। तेरे वाली बात, इन टू, यस सर। ओके, यस सर। पहले वाले में तो क्या कि एक एक ही एलिमेंट आ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग फिर अपन ने बोल दिया था। लेकिन फर्स्ट पहले वाले में भी रेंज और डोमेन जो है वो गिवन नहीं है, तो इसलिए अपन उसमें पहले वाले में भी ज्यादा कुछ बता नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन फंक्शन बनने के लिए फिर, हाँ फंक्शन बनने के लिए अपन ये जरूर कह सकते, क्योंकि फंक्शन तभी डिफाइन हो पाएगा। पहले वाले में तो ठीक है, पहले वाले को हम टू बोल सकते हैं, इसे पहले वाले एग्जांपल में, ठीक है ना। डन सर। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो वन वन हो सकता है, मेनी वन हो सकता है, इन टू हो सकता है, ऑन टू हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अपने को ये जरूर ध्यान में रखना है कि भाई साहब डोमेन के जितने भी पॉइंट है, उन जितने भी पॉइंट है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे एफ एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट फंक्शन। क्लियर है वाली बात बेटा जी। सर फर्स्ट वाले में अपन ऑन टू कैसे कह सकते हैं फिर, ऑन टू बेटा क्योंकि उसकी जो भी डोमेन है डोमेन में एक ही पॉइंट आया, यस सर, ठीक है, डोमेन में एक ही पॉइंट आया तो उसने, ठीक है, नहीं सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पहले वाले में भी नहीं बोल सकते क्योंकि डोमेन में कितने पॉइंट हो सकते हैं भाई, यस सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो रह गया था कि अगर डोमेन के अंदर दो तीन पॉइंट दिए होते तो उसमें से एक ही पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, नहीं सही बात, पहले वाले में भी कुछ नहीं कह सकते जब तक डोमेन गिवन हो, को डोमेन गिवन नहीं हो गया। Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट फंक्शन लिखिए, बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन तो लिखिए, इसमें बाउंडेड फंक्शन में लिखिए, if range of function, if range of function if range of function is a finite interval
is a finite interval or finite points, finite interval or finite points. कहने का मतलब ये कि अगर उसकी रेंज में अगर क्या हो जाए अपने पास पॉइंट फिक्स हो जाए, इंटरवल फिक्स हो जाए, मान लो कि जैसे रेंज आ रही है 1 to 2 आ रही है, 3 to 4 आ रही है, अगर ऐसी अगर सिचुएशन बन रही है then the function is, then the function is a bounded function. Bounded function. मतलब सर इनफाइनाइट तक नहीं जाना चाहिए. हाँ जी बिल्कुल सही बात. मतलब रेंज जो है वो बाउंड हो जाए, यहाँ ठीक है इतने से इतने के बीच में घूमेगा ये, तो जस्ट फॉर एग्जांपल क्लियर है. साइन एक्स, सेकेंड एक्स, कॉस एक्स, है ना इसकी रेंज को बाउंड कर दिया -1 से 1, इसकी रेंज को फिक्स कर दिया क्या -1, 0 और 1, ये क्या हो गया -1 से 1, तो ये कैसे है, दीज फंक्शंस आर bounded functions, है ना? Yes. Okay. चलिए. उसके बाद next homogeneous function. Homogeneous functions. होमोजेनियस फंक्शन, जैसे प्रीवियस क्लासेस में 10th में या 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा होमोजेनियस पॉलिनोमियल. यस सर. पढ़ा? चलो पढ़ा होगा क्या? ठीक है. तो होमोजेनियस फंक्शन में लिखिए, इफ द डिग्री ऑफ ईच टर्म, इफ the degree of each term in any function is same, then the function is known as homogeneous function. Each term में क्या होना चाहिए, जो भी variables हैं है ना उनकी degree क्या हो जानी चाहिए, same हो जानी चाहिए. If the degree of each term is same, then the function is homogeneous. ठीक है ना? For example, fx is equals to x square plus xy. यहाँ पे डिग्री कितना है 2, यहाँ पे भी वेरिएबल x और y दोनों वेरिएबल है, x का वैल्यू 1, x की डिग्री 1 और y की डिग्री 1, 1 plus 1, ओवरऑल इस टर्म का डिग्री कितना हो गया, है ना? fx is equals to x square plus ax square plus 2hxy plus by square. याद दिला देते हैं थोड़ी तुम्हें इनके बारे में, क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर. हो गया नोट डाउन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलिए. उसके बाद आगे बढ़ते हुए some useful functional equations. फंक्शनल इक्वेशन और उसके लिए फंक्शन क्या कंसीडर करना है कि अगर इस टाइप का फंक्शन गिवन होगा तो ये फंक्शन ये कंसीडर करना है, ठीक है ना? तो अपना उस फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो भी अपने पास इक्वेशन गिवन होगी वो इजीली सॉल्व हो जाएगी. क्लियर है वाली बात?
यस सर। तो अगर अपने पास फंक्शनल इक्वेशन की अगर है f of x y is equals to f of x y is equals to f of x into f of y, ये अगर फंक्शनल इक्वेशन है तो अपन जो भी अपना फंक्शन होगा उसको कंसीडर करेंगे एज x टू द पावर n, ओके। तो अपने लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। सर n क्या डिनोट करता है? बेटा n जो है वो कोई भी कांस्टेंट है, ओके ओके। कैसे हो मतलब समझ नहीं आया, याद ही रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें जो है भाई यहाँ पे देखिए एक बार के लिए ये लिख लीजिए, फिर इसके बाद इनको एक्सप्लेन करते हैं। लिख लीजिए f of x y is equals to, अगर अपने पास में लिखा हुआ है f of x plus f of y, अगर लिखा हुआ है, आ रही बात समझ में? तो yes, इस केस में भी फंक्शन अपन क्या कंसीडर करेंगे, k times the log x, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे k की वैल्यू, ये फाइंड आउट करने के लिए अपने को एक्स्ट्रा कंडीशंस की बात होगी, है ना? ओके सर। f of x plus y equals to f of x into f of y, ये अगर गिवन होगा तो इस केस में क्या कर देंगे, a to the power kx, और अगर ऐसा लिखा हुआ f of x plus y is equals to f of x plus f of y, अगर इस टाइप की कंडीशन गिवन है तो फंक्शन कंसीडर कर लेंगे as k times x। नोट डाउन करो, फिर उसके बाद इसको देखते कि कैसे हो। डन सर। ओके, तो देखिए जरा। डन सर। डन? यस सर। तो देखिए अभी। तो अगर अपन ने फंक्शन कंसीडर किया, मतलब ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है तो अपन ने एज्यूम कर लिया, लेट जो भी फंक्शन था उस फंक्शन का एज्यूम कर लिया अपन ने क्या, एफ एक्स का एज्यूम कर लिया अपन ने क्या, एक्स टू द पावर एन, क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। देखिए जरा ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, एफ ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा एक्स वाई टू द पावर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा बेटा जी, एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स वाई से। लास्ट स्टेप कैसे किया आपने? कौन सा वाला बेटा? लास्ट लाइन मतलब अपन ये कह रहे हैं कि अगर फंक्शनल इक्वेशन ये गिवन होगी तो अपन फंक्शन कंसीडर क्या करेंगे, fx is equals to x to the power n। Yes, yes, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर मैं fx x to the power n कंसीडर करता हूं तो ये इक्वालिटी, मतलब ये जो भी इक्वालिटी है ये होल्ड करता है, कैसे f of x ये अपने पास, तो अपन ने पहले तो f of x y फाइंड आउट करेंगे, तो f of x y फाइंड आउट करने के लिए मैं इस x को रिप्लेस कर दूं x y से, दैट मींस क्या हो जाएगा, x y से x y की पावर n, ओके। f of x ये रहा x का पावर n है, ये तो कंसीडर ही किया था, f of y फाइंड आउट कर लेते हैं, f of y समझ। अब ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट करो, f of x y कितना, x y की पावर n x की पावर n into y की पावर n x to the power n, तो x y की पावर n आ जाएगा, और ये हो गया x y की पावर n। यस क्लियर है वाली बात? क्लियर है। यस ओके, नोट डाउन याद है? यस सर। सर सर एग्जांपल नोट कर रहे हैं, कर लीजिए।
ओके उसके बाद लिखिए फंक्शन कंप्लीटेड ओके फाइनली तो ये तुम्हारा फंक्शन हो गया कंप्लीट है ना सर अगला चैप्टर कौन सा करा yes, अगला चैप्टर अपन थोड़ा सा इजी चैप्टर लेते हैं एक बार के लिए थोड़ा सा क्योंकि फंक्शन 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 ये सुन सुन करके तुम परेशान हो गए हो तो इसलिए सर बताओ कौन सा टॉपिक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट शुरू कर लेते हैं एक बार के लिए इजी भी है और मजा भी आएगा तुमको वो एक चैप्टर थोड़ा सा इजी वाला कर लेते हैं थोड़ा सा तुम लोग इजी हो जाओगे फिर उसके बाद देखेंगे आगे है ना यस सर ओके सर तो डीपीपी नंबर 4 तक हो चुका है अपना डीपीपी नंबर 5 जो है वो के लिए वो कंप्लीट करना है ठीक है ना ओके सर ओके सर चलिए तो बाकी कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सब लोग अपना अपना ध्यान रखो मस्त रहो व्यस्त रहो बढ़िया से पढ़ाई करते हैं ओके Thank you so much. Okay, bye.